Yeah, hi everybody. I'm Manohar Verma. I'm an action director. अभी आप लोगों ने मिर्ज़ापुर देखी होगी, 1-2, then you must have seen सरदार उधम. So all the action designed by me. So I know Manoj very well. मनोज जी के साथ मैं एक तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ, जो अभी मेरे को लगता नहीं कि आपको मनोज जी भोजपुरी फिल्म में दिखने वाले हैं. अब वो पूरे तेलुगु में जाने वाले, क्योंकि उनका रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक्शन में मैंने ही डिज़ाइन किया वहाँ पर. एंड इज अ सच अ वंडरफुल पर्सन. एंड यू हैव सम क्वेश्चन? यस, हाउ इज योर एसोसिएशन विद मिस्टर मनोज टाइगर? व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? ओह, ही इज एक्सीलेंट मैन. बहुत ही सुशील, बहुत ही हम्बल एंड इतने नेक इंसान है कि काम में उनकी इतनी रुचि है कि जब भी हम लोग एक्शन करते या सीन में एक्शन होता था, सो ही इज टू इन्वॉल्व इन दैट. सो ही इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन एंड आई शुड बेस्ट ऑफ लक टू हिम फॉर हिज न्यू वेंचर. यू टोल्ड मी वन थिंग दैट मनोज टाइगर विल नॉट बी सीन इन भोजपुरी मूवीज एनीमोर इन द सेंस ही विल बी सो बिजी इन तेलुगु सिनेमा. Because what role he is having, we have seen that. The way, if you remember earlier, Shakti Kapoor, Kazal Khan, let me complete. So, unki kaise roles hote the pehle? 4-5 hote the na? Aur unka Kazal Khan jaisa role hai us film ke andar. And it's a very good, hilarious hai. This man is in every frame in the film. So only I'm saying he'll be busy in Telugu cinema. सर जो है, मेरा सौभाग्य है कि मैंने इनके साथ काम किया, इनके डायरेक्शन में मैंने एक्शन किया. अभी आई थी शहीद उधम सिंह फिल्म, विक्की कौशल. मैंने जब उसका क्लाइमैक्स देखा जिसमें वो सब मारे जाते हैं, वो क्या किया है उन्होंने, उसका एक्शन किया, मिर्ज़ापुर का एक्शन किया, अभी साउथ की फिल्म की. खैर सर, तो कितनी फिल्में कर रहे होंगे नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऐसा एक्शन और इतनी सेफ्टी के साथ. लेकिन शहीद उधम सिंह जब मैंने देखा सर, तो मैं हिल गया. मुझे लगा ही नहीं कि वो एक्शन हुआ है, मुझे तो लग रहा था नेचुरल है. एक्चुअली क्या, शहीद उधम सिंह की एक अच्छी कहानी है कि उनको कभी भी इतिहास में दिखाया नहीं गया. बराबर छोटा सा एक पार्ट दिखा के निकाल देते थे. लेकिन वो अगर देखने जाओगे हमारे इतिहास में, दैट मैन हैज़ 30 ईयर्स, उसने अपने दिल में वो चीज़ रखी 30 साल तक. उसके बाद वो जाता है लंदन और उस आदमी को मारता है जिसने ये ऑर्डर पास किया था. जी जी जी. उसने उसको नहीं मारा जिसने ऑर्डर लेके मारा था, जिसने उसको मारा जिसने वो ऑर्डर पास किया था. सो ये एक जुनून जो था ना, वो जुनून के साथ फिर हमको जब बुलाया कि सुजीत सरकार ने ये फिल्म करना है आपको, तो हमने क्या किया, एक भी स्टंटमैन यूज नहीं किया. हमने सब सरदार बच्चे उधर के उनको ट्रेन किया, तब जाके वो फिल्म ऑथेंटिक बनी है. सो दिस इज अ वेरी आइकॉनिक फिल्म जो ऑस्कर के लिए जाने वाली थी, पता नहीं क्या राजनीति हुई, एंड दैट फिल्म वाज रियली मेंट फॉर ऑस्कर. वो तो लग रहा था सच में कट गया है पैर, सच में हाथ कट गया है, नेचुरल लग रहा था. एंड मनोज जी तो लाइक यू नो, आई टेल यू, मेरा आने का रीज़न एक यही है कि इस इंसान की जो बातें है, भाषा है, स्वभाव है, ये मुझे यहाँ खींच लिया. इनका परफॉर्मेंस तो आप तेलुगु फिल्म में देखोगे, वैसे भोजपुरी में तो आप लोग देख ही चुके हो, लेकिन इनका जो स्वभाव है इतना अच्छा है, प्रेम मिलान है, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं. इसके लिए मैं बोलता कि आई एम गिविंग यू माय ऑल बेस्ट विशेस. मेरा तो न्यू वेंचर इज ओपन. मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर कि मैं इंडस्ट्री में आपके साथ काम कर पाया और कर रहा हूँ, और आप यहाँ आए हमारे मिनी लाइव स्टूडियो. छोटा सा प्रयास है उसमें जो आपका मोहब्बत मिला, इसके लिए सर पैर छू कर धन्यवाद देता हूँ. बहुत छोटे हैं. Anything else? Yes, मनोज जी, अभी इन्होंने आपके आने से पहले कहा कि शुभकामनाओं से, वैसे तो शुरू करूंगा मैं आपके नए वेंचर के लिए. उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया आप मनोज जी भोजपुरी सिनेमा में ना के बराबर नजर आएंगे. देखिए सर, भोजपुरी ने तो मुझे पाल पोस के रखा, मेरे बच्चों की पढ़ाई भोजपुरी से हुई, अपना घर कोई छोड़ नहीं पाता. ये बात अलग है कि सर सही कह रहे हैं कि काम उधर थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो काम जब बढ़ रहा है तो बस कितनी भी फुल हो जाए तो बस, और कंडक्टर और ड्राइवर के लिए तो जगह हमेशा रहती है. तो अपना घर है, अपना परिवार है, आदमी कितना भी उड़ ले रात में तो अपने घर में ही आना है. नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे मैं भी एक्शन डायरेक्टर हूँ, मैं बॉलीवुड भी करता हूँ, मैं तमिल सिनेमा भी करता हूँ, मैं तेलुगु भी करता हूँ. सो इनका जो चॉइस जो रहेगा ना, वो एक और इंडस्ट्री ने उनको कैप्चर किया. तो इट विल बी इन एंड आउट, इट नॉट कि ही इज गोइंग टू लीव द भोजपुरी. बॉलीवुड नहीं छोड़ सकता.
सर आई हैव डन ऑल काइंड ऑफ फिल्म्स, ऑल रीजनल फिल्म्स, सब लैंग्वेज फिल्म्स में कर। अभी हम लोग हमारे प्रोडक्शन में हम सर को ले आने वाले हैं, एक फिल्म हम लोग करने वाले हैं बारिश के बाद, एक्शन, इसमें सर हमारे एक्शन मास्टर हैं। वाओ, ग्रेट, गुड टू हियर दैट। मनोज जी और कुछ कहना चाहते हैं? बस शुक्रिया सर आए, शुक्रिया रमेश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट सक्सेस फॉर द न्यू वेंचर। थैंक यू सभी को धन्यवाद।